क्या आपके आधार में डेट ऑफ बर्थ गलत है और आप बहुत परेशान हैं? अगर कहीं जाते हैं तो वहां बोलता है कि भैया आपका जो है डेट ऑफ बर्थ मैचिंग नहीं कर रहा है वोटर आईडी से या पेन ड्राइव से, तो उस टाइम आपको बहुत ही प्रॉब्लम का फेस करना पड़ जाता है। और ये स्वाभाविक बात है क्योंकि भैया अभी आधार कार्ड बहुत ही इम्पोर्टेंट हो चुका है। तो अगर आपके आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ जो है गलत है तो उसको आप कैसे सही कर सकते हैं घर बैठे बिना इधर उधर भाग दौड़ किए बिना आधार सेंटर जाए? सो गाइस, मैं इंजीनियर राजा और मैं आपसे सजेस्ट करता हूं कि अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस रेड बटन को दबा के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस तरीके का नया नया वीडियोज़ पाइए आप रोजाना। चैनल सब्सक्राइब करते ही आपको क्या करना है, साथ ही बेल के बटन को प्रेस कर देना है। इस बेल के बटन को प्रेस करने से ये होगा कि मैं पर डे नया नया वीडियो अपलोड करता हूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचेगा। तो बेल के बटन प्रेस करते ही आपको ऑल कर देना है। जैसे ही ऑल करते हैं तो मैं पर डे नया नया वीडियो अपलोड करता हूँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचेगा। तो मैं आपको इस वीडियो में ये बताऊँगा कि अगर आपके आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ जो है गलत है और आप जो है बहुत ही परेशान हो चुके हैं, आप जो है आधार सेंटर जाते भी हैं तो वहाँ पर जाने के बाद पता चलता है कि आधार सेंटर ही आज बंद है, या आप जो गांव घर में आपका घर है तो आपको खुद पता होगा कि आधार सेंटर जो है महीने महीनों दिन तक जो है बंद ही रहता है। तो सरकार ने एक पोर्टल लॉन्च किया है जिस पोर्टल से आप बहुत ही आसानी से घर बैठे अपने मोबाइल फोन से लैपटॉप से 85 रुपया में आप अपने आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ सुधार कर सकते हैं। तो सरकार ने आप सबका जो है टेंशन थोड़ा ख़त्म कर दिया है, आपको इधर उधर भाग दौड़ नहीं करना है या दुकान वाले के पास नहीं जाना कि भैया हमको सुधार कर दीजिए आधार कार्ड में, क्योंकि दुकान वाले भी जो है जल्दी सुधार नहीं करता है। उसको आधे दुकान वाले को तो खुद पता नहीं होता है कि न्यू पोर्टल में डेट ऑफ बर्थ भी सुधार हो रहा है। तो मैं आपके इस वीडियो में ये बताऊँगा आपके आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ गलत है तो आप बिना आधार सेंटर जाए उसको आप कैसे सही कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को कम्प्लीटली लास्ट तक जरूर देखना है, तभी आप सब कुछ समझ पाएंगे कि किस तरीका से घर बैठे आप अपने आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ आप कैसे चेंज कर सकते हैं, कैसे आप उसको सुधार कर सकते हैं। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो में मैं आपको ये दिखाऊंगा कि अगर आपके आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ गलत हो चुका है तो आप जो है घर बैठे बिना आधार सेंटर जाए आप 50 रुपीस में उसको आप कैसे सही कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, कोई भी ब्राउज़र ओपन कीजिएगा और यहाँ पे आपको डालिएगा uidai.gov.in, तो आपके सामने में UIDAI की ये ऑफिशियल वेबसाइट ओपन होकर आ जाएगा। आपको इस पर क्लिक कर देना है, यहाँ ओके वाले पर क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो सबसे पहले यहाँ पर इसका ये जो है ऑप्शन यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है, आपको लॉगिन कर लेना है। तो सिंपली लॉगिन वाले पर क्लिक कीजिएगा, यहाँ पर अपना आधार नंबर डालिए, ये कैप्चा आपको यहाँ पर डालना है, सेंड OTP पर क्लिक कीजिएगा तो आपके आधार से जो भी मोबाइल नंबर लिंक है उस पर OTP आएगा। वो OTP का टाइम होता है 1 मिनट में आपको यहाँ पर डाल देना है। इसके बाद यहाँ से आपको लॉगिन कर लेना है। लॉगिन वाले पे क्लिक करते यहाँ पर देखिए कि आप जो है नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, एड्रेस, आप इसमें कुछ भी या लैंग्वेज भी आप इसमें करेक्शन कर सकते हैं, सुधार सकते हैं। आपको इस वाले पे क्लिक कर देना है। जैसे इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए प्रोसीड टू अपडेट आधार है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए कि आपको बोला जा रहा है कि आप 1 टाइम जो है डेट ऑफ बर्थ में करेक्शन कर सकते हैं, तो आपको इस वाले पर क्लिक कर देना है और यहाँ प्रोसीड टू अपडेट आधार है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो आपको जो भी डेट ऑफ बर्थ रहेगा वो आपको यहाँ पर शो कर देगा। जो भी आप डेट ऑफ बर्थ रखना चाहते हैं आपको इस कैलेंडर पर जाना है और यहाँ से आप अपना डेट ऑफ बर्थ जो है चूज कर सकते हैं। और यहाँ पर जाइएगा, फिर ईयर प्लस चूज कर लीजिएगा कौन सा ईयर में आपको जो है पैदाइश हुआ है, वो आपको यहाँ पर ईयर चूज कर लेना है। ईयर चूज करने के बाद जो है आप बहुत ही ईजी तरीके से आप इसमें जो है मंथ चूज कीजिए और यहाँ पर आप डेट चूज कर लीजिए। यहाँ पर देखिए आपका आ चुका है और क्या डॉक्यूमेंट देना चाहते हैं वो डॉक्यूमेंट आपको इसमें से चूज कर लेना है कि आप कौन सा डॉक्यूमेंट देना चाहते हैं। जैसे आपको क्या बर्थ सर्टिफिकेट, इसके बाद ये हो गया पैन कार्ड, पासपोर्ट या ब्लॉक सर्टिफिकेट, जो भी आपके पास है इसमें आपको ढेर सारा मिल जाता है, जो भी देना चाहते हैं आपको जो है चूज कर लेना है। चलिए हम यहाँ पर बर्थ सर्टिफिकेट देना चाहते हैं तो मैं इस पर सेलेक्ट करूँगा, यहाँ पर आ चुका है। अब जो है आपको बर्थ सर्टिफिकेट अपलोड करना है तो वो आपको जो है JPEG PNG और PDF फाइल में जो है आपको अपलोड करना है। अपलोड करने के लिए यहाँ जो है व्यू डिटेल्स एंड अपलोड डॉक्यूमेंट पर क्लिक कीजिएगा, यहाँ कंटिन्यू टू अपलोड पर क्लिक करिएगा और जहाँ भी रख रखे हैं आपको यहाँ पर सेलेक्ट करके यहाँ से आपको ओपन कर लेना है।
यहाँ पर देखिए कि मैं जो है यहाँ पर अपलोड कर लिया हूँ बर्थ सर्टिफिकेट, तो वो यहाँ पर आ चुका है। इसके बाद यहाँ नेक्स्ट वाले आपको क्लिक कर देना है, यहाँ ओके वाले पे क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको प्रव्यू दिखाई दे देगा कि आप क्या से अपलोड किए हुए हैं, इसमें क्या सब। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, आप जो भी आप चेंजिंग करना चाहते हैं वो आपका डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर आ चुका है, जो भी आप डॉक्यूमेंट दिए हैं आप यहाँ पर आ चुका है। आप अगर आप इसको जो है चेंज करना चाहते हैं, अगर गलती हो गया है तो यहाँ एडिट पर जाके आप जो है इसको एडिट भी कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ परमिशन मांग देंगे, इसके बाद नेक्स्ट वाले पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो है आपको पेमेंट गेटवे पे ले आके यहाँ पे ओपन करेगा। और यहाँ पे देखिए कि आपको 50 रुपीज़ का बोला जा रहा है कि पेमेंट आपको करना पड़ेगा, आप जो है डेट ऑफ बर्थ में अगर आप सुधार करना चाहते हैं, करेक्शन करना चाहते हैं तो यहाँ पर जो है ऑप्शन वाले पर क्लिक करेंगे, यहाँ मेक पेमेंट पर क्लिक करेंगे। जैसे इस पर क्लिक करते हैं ना तो आपके सामने में यहाँ न्यू टैब ओपन होकर आ जाता है। तो यहाँ पर देखिए कि आप जो है यहाँ क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, वॉलेट, पेटीएम और नेट बैंकिंग से पेमेंट कर सकते हैं। तो आप जिससे भी पेमेंट करना चाहते हैं आपको इस पर सिंपली क्लिक कर देना है। यहाँ पर देखिए कि आप जो है न्यू कार्ड का जो भी नंबर है आप अपना कार्ड का नंबर डालेंगे, यहाँ एक्सपायरी जो है मंथ और ईयर डालेंगे, यहाँ CVV नंबर डालेंगे, यहाँ जो है आपको कार्ड होल्डर का जो है आपको नाम डालना है। इसका टर्म को एक्सेप्ट करेंगे, आप प्रोसीड वाले पर क्लिक करेंगे। जैसे ही प्रोसीड वाले पर क्लिक करते हैं तो आपके अकाउंट से 50 रुपीज़ का जो है पेमेंट कट जाएगा और आपके जो है आधार कार्ड में जो भी आपका एड्रेस है उसी एड्रेस पर आपको जो है डेट ऑफ बर्थ करेक्शन होके आ जाएगा। सो गाइस, ये बहुत ही सिंपल और आसान प्रोसेस है। आप घर बैठे बिना आधार सेंटर जाए ये जो है न्यू प्रोसेस में 2021 में आप ये सब कर सकते हैं। सो गाइस, अब तो आप समझ ही गए होंगे कि आधार के न्यू पोर्टल से आप घर बैठे बिना आधार सेंटर जाए, बिना इधर उधर भाग दौड़ किए, बिना किसी को पैसा दिए, आप कैसे अपने मोबाइल फ़ोन से, लैपटॉप से आप अपने आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ कैसे आप सुधार कर सकते हैं, कैसे उसको करेक्शन कर सकते हैं। सो आई होप कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए। अगर आपके दिल में कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके पूछ सकते हैं।